अच्छा जी हम लेते हैं अपने नए मेंबर को जे लखानी को हाँ जी सर क्या कहना चाहेंगे सर आवाज आ रही है आपको मेरी बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है सर uh, सर मैं बहुत बड़ा फैन हो गई हूँ आपका oh, oh, oh. हो हो। और आ, आ, मैं पहले शाहरुख खान का बहुत फैन था तो अभी जैसे शाहरुख खान मेरे लिए है आप हो गए मेरे लिए वाह वाह यानी ऐसा ये कैसे सर ये तो चले आप, आपका आपका प्यार है मोहब्बत है लेकिन इस नाचीज की इतनी औकात नहीं हाँ सर मैं बाय बर्थ हिंदू हूँ और आ, मैं मतलब ऐसे पहले छोटा था तो मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली में बोर्न हुआ हूँ तो बहुत सारे रिवाज थे कि ये करना वो करना नीचे कास्ट के लोगों को घर में नहीं आने देना और ऐसा तो मैं जब छोटा था तो बहुत क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो ऐसे किसी को क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं और ऐसे था ऐसे फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ऑलवेज ऐसे टेंपल जाना और ये सब रिचुअल्स फॉलो करना और तो बहुत ऐसे डाउट्स रहते थे मेरे मन में कि ये सब कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है ऐसे फिर यूट्यूब में बहुत देखता था तो पहले डेविड के वीडियो देखना चालू किए फिर प्रॉफिट के चालू किए फिर सजेशन में आपका आया तो फिर आपके देखना चालू किए फिर आपकी बुक मैंने खरीदी तो फिर वो उसमें चैप्टर नंबर फोर गोड हाइपोथिस मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर सर अभी ऐसे मतलब मैं अभी अपने एथिस्ट बोलता हूँ और अभी ऐसे कोई मैं जो बोलता है तो वो पहले क्या रहता है सर कि आप छोटे रहते हैं ना तो आप ऐसे किसी के सामने डिबेट नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं फिर आपके वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि नहीं मैं सही हूँ जो, जो मुझे, मुझे सवाल आते हैं वो सही है तो बहुत मैं नहीं हूं। हा, हा। तो बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे आपकी वजह से और अभी रिसेंटली मैंने हाथ पे टैटू भी करवाया अच्छा <laughs> तो वो पहले डर लगता था वो पहले क्या रहता था हरीश भाई कि आप ऐसे कुछ ऐसे ऐसा कुछ उल्टा सीधा सोचो ना तो आपके मन में से अंदर ऐसे क्वेश्चन आए कि ये अच्छा ये भगवान सच में होंगे नहीं ना ऐसा कुछ सोच लिया या ऐसा कुछ कर लिया तो अपने को नर्क में नहीं कोई भेज देगा ना ऐसे <laughs> तो पहले ऐसा डर लगता था फिर आपके और ऐसे सब देखे तो बहुत ऐसे आया कि नहीं जो कर रहे है वो सही है अभी भाई तीन चार क्वेश्चन है अगर आपके कमेंट दे दूं मुझे बड़ी खुशी हुई कि यू नो आपने बड़ा थौरेली इसको देखा आपने मेरी बुक भी पढ़ी आपको एक मेरा चैप्टर भी पसंद आया और आपने कहा कि आपके जहन में जो सवाल मैंने इसीलिए पता नहीं ये बुक में मैंने लिखा कि नहीं आपने शायद ज़्यादा रिसेंटली पढ़ी है तो आपको ज़्यादा याद होगा कि मेरे यहाँ लिखा था मैंने कि हर बच्चे के जहन में ये सवाल आते हैं ये सवाल मेरे हिसाब से मैं कोई स्पेशल नहीं था कि मैंने नौ साल की उम्र में, में मेरे जहन में ये सवाल आने लगे खुदा को किसने बनाया ठीक है उसकी उसको आर्टिकुलेशन नहीं होती जैसे आपने बताया कि और मुझे भी सवाल थे फिर बंदा बिजी हो जाता है अपनी पढ़ाई में और काम करने लग जाता है बैक बर्नर पे चले जाते हैं उनकी आर्टिकुलेशन नहीं होती इवन सवाल सही लफ्ज़ों में भी हम सामने नहीं रख पाते तो मेरे साथ भी यही मसला था फिर आपको हेल्प चाहिए होती है कुछ लोगों की कि फिर आप जब मैंने फिर डॉक्यूस को जब डिटेल से पढ़ा तो फिर मेरे जहन में उस फिर मैंने डिबेटें इनकी कुछ सैकड़ों घंटों की डिबेटें वगैरह और इनके लेक्चर्स वगैरह सुने लोगों के फिर वो मुझे समझ आई कि अच्छा ये मुद्दा है क्या और इसका जवाब रिलीजियस पार्टी क्या देती है और एथियस पार्टी क्या देती है तो फिर कॉन्सेप्ट जो है जिनको अभी जिसने लिखा था कि आपने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो इसी तरह अब आपको समझ आ गई इन कॉन्सेप्ट्स की तो हमें भी खैर मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि मैं पागल हूं अगर मैं होता भी मैं, मैं, वो, मैं वो वाला पागल होता मैं कहता नहीं मैं पागल नहीं हूं ये डॉक्टर पागल है <laughs> तो, नहीं करंट के ढटके पड़ रहे हैं अच्छा तो इसमें ये सवाल जो है ये बड़ी जुल्म है हमारी पूरी इस खत्ते के, के रिलीजन ने ऐसा लोगों को जकड़ा भाई इंसल्ट है ह्यूमैनिटी की इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इतने वाकई पढ़े लिखे लोग जो पता नहीं उन्होंने जो अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने बड़े बड़े सर अंजाम दिए होते हैं लेकिन उनको रिलीजन में यह सिखाया होता है जी रसूल अलग खोते हुए बैठ के जा रहे हैं तो अल्लाह के जहन में ख़्याल आते ख्वाब आते थे उनके दिल की ओपन हार्ट सर्जरी हुई हिंदुओं में जी पानी दूध पिलाएंगे इसको शिवलिंग को तो जी पता नहीं क्या क्या होगा दूध गंगा जमुना में बहा दिया वगैरह वगैरह गंगे में नहाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे वगैरह वगैरह इस तरह की बातें यानी आप देखें एक डॉक्टर की क्या इंसान की इंटेलिजेंस की इंसल्ट नहीं है मेरे ख्याल से इंसल्ट है अगर वो इस पॉइंट को छोड़ दे वो बड़ा अच्छा डॉक्टर भी होगा वो बड़ा अच्छा इंजीनियर भी होगा वो बड़ी अच्छी गाड़ी भी बना देगा जहाज भी बना देगा स्पेस प्रोब भी बना देगा लेकिन प्राइवेटली वो ये यकीन रखता है कि हाँ जी शिवलिंग और ये गंगा में नहाना वगैरह वगैरह सो ये आई थिंक बड़ा जुल्म है लेकिन मुझे इस पर खुशी है कि अब वो वक्त खत्म हो गया अब मजहबों की दुकानें हो गई हैं बंद द डैमेज बिन डन <laughs> मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूँ